गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वंस अगेन आई एम हियर विथ योर बुक द स्प्रिंग ब्लॉसम टेक्स्ट बुक जनरल इंग्लिश ऑफ क्लास 10th लेसन 8 वन स्टेप अहेड एंड द लेसन इज रिटन बाय अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ये APJ अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट थे उनका पूरा नाम है अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम एंड वी आर रीडिंग द थर्ड पार्ट ऑफ दिस lesson and here you are seeing the cover page of your textbook that is the spring blossom textbook of class 10th। पिछले वीडियो में अचानक से करंट फेल हो जाने के कारण हम वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाए थे और यहाँ से हमको आज शुरू करना है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि APJ अब्दुल कलाम साउथ से नॉर्थ की ओर यात्रा कर रहे हैं और डिफरेंट लैंडस्केप को देखते हुए, नज़ारों को देखते हुए जा रहे हैं। साथ ही वो ये महसूस करते हैं कि जो उत्तरी भारत की भूमि है वो ज़्यादा फर्टाइल है गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण, और ये भी देखते हैं कि उत्तरी भारत में जो विभिन्न आक्रमण हुए हैं सदियों पुराने उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, जबकि दक्षिणी भारत विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत की शील्ड के कारण, ढाल बने रहने के कारण दक्षिणी भारत पर प्रभाव नहीं पड़ा है। और एक कारण ये भी था कि नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी जो विभिन्न नदियां हैं पेनिनसुलर भारत की, पेनिनसुलर भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय मैंने आपको मैप बनाकर बताया भी था, प्रायद्वीपीय भारत यानी किसको कहा है कि वो एरिया जो तीन भाग से समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ ज़मीन है, तो ये इस तरीके का जो एरिया बनता है ये कहलाएगा पेनिनसुला भारत। पेनिनसुला इंडिया का जो साउथ एरिया है वो पेनिनसुला है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ थीं उन्होंने भी दक्षिण भारत को बहुत ज़्यादा सुरक्षित ढाल बना के रखा, और इसी कारण से जो बाहरी इन्वेडर्स थे, बाहरी आक्रमणकारी थे, घुसपैठिए थे, वो लोग दक्षिणी भारत तक नहीं पहुंच पाए। फिर ये कि APJ अब्दुल कलाम दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली में वो इंटरव्यू देते हैं DTD&P एयर में, और उसके बाद फिर एक और इंटरव्यू में शामिल होने के लिए वो देहरादून चले जाते हैं। देहरादून में उनका इंटरव्यू था एयरफोर्स पायलट के लिए और उस इंटरव्यू में उन्हें सफलता नहीं मिलती है। तो जब उस इंटरव्यू में सफलता नहीं मिलती है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और दुखी होने के कारण वो स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत सारे साधु लोग हैं जो बैठे हुए हैं शांति में, और जो अपने अपने यानी साइकिक लोग हैं जो यानी ये समझ जाते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। और जब APJ अब्दुल कलाम स्वामी शिवानंद तक पहुंचते हैं तो स्वामी शिवानंद को APJ अब्दुल कलाम के मुस्लिम नाम सुनकर भी कोई आश्चर्य नहीं होता है, और ना ही वो ये जानना चाहते हैं कि APJ अब्दुल कलाम को किस बात का दुख है। वो यानी उनके चेहरे से ही समझ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी है और दुख का कारण, ना ही APJ अब्दुल कलाम जानना उनसे चाहते हैं कि आपको कैसे पता चला कि मैं दुखी हूँ, और ना ही स्वामी शिवानंद उनको कोई एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि उन्हें कैसे पता चला कि वह दुखी हैं। तो यहाँ तक हमारा हो चुका था, बट वेरी डीप वॉइस में स्वामी शिवानंद उनको बोलते हैं, ये यानी आधा हम पढ़ चुके थे और करंट फेल हो गया था, आगे शुरू करते हैं। Desire when it stems from the heart and spirit, when it is pure and intense, possesses awesome electromagnetic energy. Desire यानी अत्यधिक चाह, अत्यधिक लालसा, मन से और हृदय से जब उत्पन्न होती है चाह, यहाँ पे stems यानी उत्पन्न होना, when it is pure and intense, जब वो चाह बहुत पवित्र होती है और बहुत तीव्र होती है, possesses awesome electromagnetic energy, तो उस चाह में बहुत ज़्यादा अद्भुत प्रकार की
चुंबकीय व विद्युत की शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और दिस एनर्जी इज रिलीज इन टू द ईथर ईच नाइट। और ये जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रहती है, जिसमें बहुत ज़्यादा चाह आपकी रहती है, वो प्रत्येक रात को ईथर में अनंत वातावरण में चली जाती है। जब एज द माइंड फॉल्स इन टू द स्लीप, जैसे ही आप रात में सोते हैं, नींद की स्थिति में पहुंचते हैं, वैसे ही वो जो चाह वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो अनंत वातावरण में, ईथर यानी वातावरण, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में चली जाती है जब वो आप सोते हैं। ईच मॉर्निंग इट रिटर्न्स टू द कॉन्शियस स्टेट री इन्फोर्स्ड विद द कॉस्मिक करेंट्स। और प्रत्येक सुबह वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो आपके मस्तिष्क से बाहर गई थी, वो चैतन्य अवस्था में सुबह ब्रह्मांड से एनर्जी प्राप्त करके कॉस्मिक करंट्स लेकर आपके तक चैतन्य अवस्था में पुनः पहुंच जाती हैं। कॉस्मिक यानी ब्रह्मांड। दैट विच हैज़ बीन इमेज्ड विल श्योरली एंड सर्टेनली बी मैनिफेस्टेड। तो जो कुछ भी आपने सोचा था, इमेज्ड, जिसकी आपने कल्पना की थी, वो सब भी श्योरली, निश्चित ही अब पूरा होगा। मैनिफेस्टेड यानी प्रकट होना, यानी जो आपने कल्पना की थी, इमेज बनाई थी जिस चीज़ की, निश्चित ही अब वह कॉस्मिक करेंट्स के साथ होने के कारण प्रकट होगा, यानी पूरा होगा। यू कैन रिलाई यंग मैन अपॉन दिस एजलेस प्रोमिस एज श्योरली एज यू कैन रिलाई अपॉन द एटर्नली अनब्रोकन प्रोमिस ऑफ सनराइज एंड ऑफ स्प्रिंग। यानी यह युवा व्यक्ति, तुम इस बात पर, इस थ्योरी पर विश्वास कर सकते हो। रिलाई यानी विश्वास करना, एजलेस यानी अनंत समय से चला आ रहा ये जो प्रॉमिस है, उस पर उतना ही विश्वास कर सकते हो जितना कि तुम सूर्योदय, प्रॉमिस ऑफ सूर्योदय, यानी हर रोज़ ये अनब्रोकन प्रॉमिस है कि अनंत काल से चला आ रहा है एटर्नली, कि रोज़ सूर्य उदय होगा, एंड ऑफ स्प्रिंग, और बसंत ऋतु भी आएगी। यानी ये निश्चित है प्रकृति के नियम, वैसे ही ये प्रकृति का नियम भी निश्चित है कि तुम्हारी जो इच्छा है वह अनंत काल में आपकी नींद के समय जाती है और चैतन्य अवस्था में वापस आपके पास लौट के आती है। और उस जब वो वापस लौटती है तो कॉस्मिक रेज के साथ आती है और आपको पुनः उस हेतु प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है, और काम सफल होता है क्योंकि आपकी चाह में अब कॉस्मिक रेज भी शामिल, कॉस्मिक करंट्स भी शामिल हो गए हैं। व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर विल अपीयर। जब विद्यार्थी तैयार होता है पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिक्षक स्वतः आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। अपीयर यानी प्रकट होना, दिखना। हाउ ट्रू हियर वॉज द टीचर टू शो द वे टू अ स्टूडेंट हु हैड नियरली गॉन एस्ट्रे। ये कितना सत्य है कि शिक्षक यहाँ पे स्टूडेंट को राह दिखाने के लिए स्वयं से प्रकट हो गए, और वो विद्यार्थी, वो जो शिष्य जो राह भूल रहा था, गॉन एस्ट्रे मतलब पथ भ्रष्ट होना, राह भूलना। स्वामी जी बोलते हैं, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी एंड गो अहेड विद योर लाइफ। अपने भाग्य को, डेस्टिनी यानी भाग्य को स्वीकार करो, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, एंड गो अहेड विद योर लाइफ, और अपने जीवन में आगे बढ़ो। यू आर नॉट डेस्टाइंड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट। तुम्हारे भाग्य में नहीं है कि तुम एयरफोर्स पायलट बनो। एयरफोर्स यानी वायुसेना में पायलट बनो, ये तुम्हारे भाग्य में नहीं है। वॉट यू आर डेस्टाइंड टू बिकम इज नॉट रिवील्ड नाउ बट इट इज़ प्री डिटरमाइंड। जो कुछ तुम्हारे भाग्य में है वह अभी प्रकट नहीं हुआ है, रिवील नहीं हुआ है, बताया नहीं गया है, बट इट इज़ प्री डिटरमाइंड, पर यह पूर्व निर्धारित है। मतलब जब तक समय नहीं आएगा तब तक तुम्हारा भाग्य में क्या लिखा है वो तुम्हारे सामने प्रकट नहीं होगा। और ये जो असफलता मिली है, एयरफोर्स पायलट नहीं बन पाए हो, वो इसीलिए कि तुम्हारे भाग्य में वह बनना था ही नहीं। जो बनना है
वो पूर्व निर्धारित है लेकिन अभी तुम्हारे सामने नहीं आया है। फॉरगेट दिस फेल्योर एज इट वॉज एसेंशियल टू लीड यू टू योर डेस्टाइंड पाथ। इस फेल्योर को, इस असफलता को भूल जाओ, फॉरगेट यानी भूल जाना। एज इट वॉज एसेंशियल, क्योंकि ये ज़रूरी थी, टू लीड यू टू योर डेस्टाइंड पाथ, ताकि तुम उस राह पर चलो जहाँ तुम्हारा भाग्य में क्या बनना लिखा है उस राह पर चलो, तो वो राह सही जगह पे ले जाएगी। मतलब यदि एयरफोर्स पायलट बन जाते हो तो वो जो तुम्हारे लिए बनना पहले से लिखा हुआ है वो नहीं बन पाओगे। इसलिए ये असफलता ज़रूरी थी ताकि तुम अपनी सही राह की ओर जा सको। सर्च इंस्टेड फॉर द ट्रू पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। अब तुम खोजो बजाय दुखी होने के, इंस्टेड यानी के बजाय, उस उद्देश्य को खोजो कि तुम अस्तित्व में क्यों हो। एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, तुम संसार में हो तो क्यों हो, उसका एक जो ट्रू पर्पस है, सही उद्देश्य है, वह खोजो। बिकम वन विथ योर सेल्फ माई सन, अपने आप से एक हो जाओ। मतलब बिकम वन विथ योर सेल्फ, योर सेल्फ यानी अपने आप से एक होना। अपने आप से एक होना मतलब मन, इच्छा, शक्ति, चाह, सब चीज़ों को एक करो। माई सन सरेंडर योर सेल्फ टू द विश ऑफ गॉड। मेरे पुत्र, अपने आप को ईश्वर की इच्छा के सामने सरेंडर कर दो। सरेंडर कर दो यानी समर्पण कर दो। ईश्वर की जो इच्छा है वो उस हिसाब से तुम्हें उस राह पर लेकर जाएंगे। अपनी इच्छा इसमें शामिल मत रखो, ईश्वर की जो इच्छा है वह करने दो। अपने आप को समर्पित कर दो ईश्वर के सामने। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इस बारे में एक वो कहा है कि बिकम द फ्लूट ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड वॉट एवर ही विल प्ले विथ यू। यानी ईश्वर के हाथों की मुरली बन जाइए, जो वो चाहेंगे वह धुन तुमसे निकालेंगे। तो यहाँ पर भी वो APJ अब्दुल कलाम बोल रहे हैं कि ईश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर कर दो, उनकी जो इच्छा होगी वह वो तुम्हें बना देंगे। आगे APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, आई रिटर्न्ड टू दिल्ली एंड एंक्वायर्ड एट द DTP&P अबाउट द आउटकम ऑफ माय इंटरव्यू। एक इंटरव्यू दिल्ली में देके गए थे DTP&P पर। उसके बाद वो देहरादून गए थे एयरफोर्स पायलट के लिए इंटरव्यू देने। तो पहले इंटरव्यू की जानकारी उन्होंने दिल्ली वापस आकर चाही। इंक्वायर्ड यानी पता किया कि उस DTP&P के इंटरव्यू का आउटकम, परिणाम क्या हुआ। इन रिस्पॉन्स आई वॉज हैंडेड माई अपॉइंटमेंट लेटर। और जो रिस्पॉन्स मिला, रिस्पॉन्स यानी उनकी तरफ से उन्होंने जो जवाब दिया, और वो जवाब था मेरे हाथ में मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र मुझे मिल गया था DTP&P एयर का। आई ज्वाइंड द नेक्स्ट डे एज सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ऑन द बेसिक सैलरी ऑफ ₹250 per month। अगले ही दिन मैंने उस नौकरी के लिए, उस सेवा के लिए ज्वाइन कर लिया, और पोस्ट थी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। और उस समय मेरी जो बेसिक सैलरी थी, मूल वेतन था, वो था ₹250 per month, यानी ₹250 प्रति माह की सैलरी पे पहली नौकरी ज्वाइन की थी APJ अब्दुल कलाम ने, और पद था सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। इफ़ दिस वॉज टू बी माई डेस्टिनी आई थॉट लेट इट बी सो। यदि यही मेरा भाग्य है, मैंने सोचा कि यदि यही मेरा भाग्य है तो लेट इट बी सो, तो यही रहने दो, ऐसा ही हो। फाइनली आई वॉज फिल्ड विथ मेंटल पीस। अंततः मुझे मानसिक शांति मिल चुकी थी। मेरे अंदर का जो परेशानी थी, एंग्जाइटीज थी, वो सब समाप्त हो गई थी, और अब मानसिक शांति मेरे अंदर आ चुकी थी। नो मोर डिड आई फील एनी बिटरनेस और रिजेंटमेंट एट माई फेलियर टू एंटर द एयरफोर्स। अब मेरे अंदर और ज़्यादा कोई बिटरनेस यानी कड़वाहट
या रिजेंटमेंट यानी अफसोस नहीं था कि मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हुआ या एयरफोर्स में मैं शामिल नहीं हो पाया। ऑल दिस वॉज इन 1958। ये जो पूरी घटना मैंने लिखी है ये 1958 की है, 1958 की। तो यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया लेसन वन स्टेप अहेड हमने पढ़ा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है और ये आध्यात्म से भरा हुआ है, यानी बड़े बड़े महान लोगों को भी ईश्वर की, गुरु की आवश्यकता पड़ती है अपने दुखी क्षणों में। जब वो यानी कोई काम में सफल नहीं होते हैं तो हमें ईश्वर से मदद लेनी होती है या कोई ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें सही राह दिखा सके। यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम के सामने लाइफ में आए स्वामी शिवानंद, जिन्होंने उन्हें उनके मन के पश्चाताप को दूर करने के लिए कंसोल किया। यहाँ हमारा लेसन समाप्त होता है, लेकिन इसके आगे क्योंकि हमारा कल का वीडियो अधूरा रह गया था, क्वेश्चन आंसर्स हैं वो और हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स लेसन 8 के हैं, वन स्टेप अहेड नाम है और इसके राइटर हैं अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। तो वर्ड पावर का पहला क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 एब्रीविएशंस नोन टू यू। हमको एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म बताना, शॉर्ट फॉर्म और उसका फुल फॉर्म बताना है जो आप हम जानते हैं। तो तीन बोला है तो मैंने तीन ही लिए हैं, बाकी बहुत सारे होते हैं एब्रीविएशंस, जैसे BEd, बी से बनता बैचलर और एड से बना एजुकेशन, BEd मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन। फिर एक है IAS, बैचलर ऑफ एजुकेशन जो है ये शिक्षा की शिक्षा में स्नातक, इसका हिंदी में बोलेंगे शिक्षा में स्नातक, ये टीचर बनने के लिए एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। फिर IAS, आई मतलब इंडियन, ए मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और एस यानी सर्विसेज, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवाएं। कलेक्टर बनने के लिए यही परीक्षा पास करनी होती है IAS की। नेक्स्ट है WHO, W यानी वर्ल्ड, H हेल्थ, O ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो बीमारी फैली हुई है कोरोना की, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, उसे पेंडेमिक यानी महामारी घोषित किया है। चलो अब क्वेश्चन हमारे जो टेक्स्ट बुक में लेसन के पीछे दिए हुए हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू दिल्ली, डॉक्टर कलाम दिल्ली क्यों गए थे। आंसर है, डॉक्टर कलाम went to Delhi to appear for the interview at DTD&PAIR, Directorate of Technical Development and Production, AIR पे वो इंटरव्यू देने गए थे। Why did Dr. Kalam go to Dehradun? Dr. Kalam Dehradun क्यों गए थे? आंसर है, डॉक्टर कलाम वेंट टू देहरादून फॉर हिज इंटरव्यू एट द एयरफोर्स सेलेक्शन बोर्ड। डॉक्टर कलाम देहरादून अपना एक इंटरव्यू में शामिल होने गए थे, इंटरव्यू था उनका एयरफोर्स सेलेक्शन बोर्ड पे। नेक्स्ट है, व्हाट डिड डॉक्टर कलाम वांट टू बिकम इन द एयरफोर्स, एयरफोर्स में डॉक्टर कलाम क्या बनना चाहते थे। आंसर है, डॉक्टर कलाम wanted to become a pilot in Air Force. Dr. Kalam Air Force में pilot बनना चाहते थे। Question 4. Why did Dr. Kalam go to Shivanand Ashram? Dr. Kalam Shivanand Ashram क्यों गए थे? Answer है, Dr. Kalam went to Shivanand Ashram because he wanted to seek the solutions of doubts that troubled him. डॉक्टर कलाम शिवानंद आश्रम में गए थे क्योंकि वह उन शंकाओं का समाधान चाहते थे जो उन्हें परेशान कर रही थी।
क्वेश्चन 5, हाउ डिड स्वामी शिवानंद कंसोल डॉक्टर कलाम? स्वामी शिवानंद ने डॉक्टर कलाम को कैसे सांत्वना दी? कंसोल यानी सांत्वना। स्वामी शिवानंद सैड टू कलाम, स्वामी शिवानंद ने कलाम से कहा, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी एंड गो अहेड विद लाइफ, अपने भाग्य को स्वीकारो और जीवन में आगे बढ़ो। यू आर नॉट डेस्टाइंड टू बी एन एयरफोर्स पायलट, तुम्हारे भाग्य में नहीं था कि तुम एयरफोर्स पायलट बनो। वॉट यू आर डेस्टाइंड टू बिकम इज नॉट रिवील्ड नाउ, तुम क्या बनोगे वह अभी रिवील नहीं हुआ है, व्यक्त नहीं हुआ है। बट इट इज़ प्री डिटरमाइंड, पर यह पूर्व निर्धारित है। प्री डिटरमाइंड यानी पूर्व निर्धारित। दीज वर्ड्स कंसोल्ड डॉक्टर कलाम, इन शब्दों ने डॉक्टर कलाम को बहुत सांत्वना दी। क्वेश्चन 6, हाउ शुड वी टेक अवर फेल्योर, हमें हमारी असफलता को कैसे लेना चाहिए? आंसर, वी शुड फॉरगेट अवर फेल्योर एज इट इज एसेंशियल टू लीड अस टू अवर डेस्टाइंड पाथ, हमें हमारी असफलता को भूल जाना चाहिए क्योंकि ये जरूरी है कि हम जो हमारे भाग्य द्वारा निर्धारित रास्ता है उस तक पहुंचाने के लिए वह असफलता जरूरी थी। सक्सेस इज नेवर सर्टेन, सफलता हमेशा निश्चित नहीं होती है। एंड फेल्योर इज नेवर फाइनल, और ना ही कभी असफलता अंतिम होती है। मतलब एक बार सफल हो गए किसी काम में तो हमेशा सफल रहेंगे ये जरूरी नहीं है, और ऐसा ही है कि एक बार यदि असफल हो गए तो हमेशा असफल रहेंगे ये भी निश्चित नहीं है। मतलब पहली असफलता हमें सफलता की ओर लेके जाती है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर का सेशन भी समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।